देपालपुर में श्रीमेय क्षत्रिय स्वर्णकार युवा संगठन देपालपुर द्वारा पहली बार नगर में श्रीमेय क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के इष्ट देव श्री अजमेर जी महाराज की जन्म जयंती के उपलक्ष में शोभा यात्रा का नगर भ्रमण कर महाआरती की गई। शोभा यात्रा में आसपास के ग्रामीण अंचल के समाज बंधु भी मौजूद थे। श्री अजमेर जी महाराज की जयंती के पावन पर्व पर श्री मेर क्षत्रिय स्वर्णकार समाज युवा संगठन के बड़े ही हर्ष के साथ नगर में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें देपालपुर सहित बेटमा, गौतमपुरा, हातोद और आसपास के ग्रामीण अंचल के समाज बंधु भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सोनी समाज के पुरुष एवं महिलाएं और बच्चे बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कार्यक्रम में वरिष्ठ जनों को सम्मानित किया गया एवं तत्पश्चात छप्पन भोग, महाआरती एवं भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम आयोजक मेर क्षत्रिय स्वर्णकार युवा संगठन देपालपुर, गोकुल सोनी, नरेंद्र सोनी, रितेश सोनी व अन्य लोग थे। देपालपुर से बलराम देसाई की रिपोर्ट। जी बताइए, आज के कार्यक्रम के विषय में बताइए। बहुत अच्छा रहा, हमारे स्वर्णकार समाज का ये द्वितीय वर्ष का कार्यक्रम था युवा संगठन द्वारा, तो बहुत ही बड़े रूप में किया है इन्होंने और पूरी टीम को धन्यवाद। और आगे भी ऐसा ही कार्यक्रम हमेशा होता रहे, यही आशा है युवा संगठन से। और यहाँ पर सभी मतलब आसपास के गांव से, बहुत से आसपास के मतलब तहसील, देपालपुर तहसील से आसपास के गांव से सभी स्वर्णकार बंधुओं को बुलाया गया और सभी आए। यहाँ शोभा यात्रा निकली अजमेर जी महाराज की और सबने खूब आनंद लिया। इसके साथ आज युवा संगठन द्वारा आयोजन किया, इसके सामने कहना ये कार्यक्रम लगातार द्वितीय वर्ष हुआ है। ये श्री मेर क्षत्रिय स्वर्णकार युवा संगठन द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें नगर सहित देपालपुर से पास में से पधारे बेटमा, गौतमपुरा, हातोद और देपालपुर ग्रामीण अंचल के समाजजन मौजूद थे, जिसमें शोभा यात्रा प्रातः में शोभा यात्रा निकाली गई थी, उसके बाद में छप्पन भोग की महाप्रसादी लगाई गई, उसके पश्चात उद्बोधन और उसके पश्चात भंडारे का आयोजन किया गया। ये आयोजन लगातार दूसरी वर्ष किया गया और ये स्वर्णकार युवा संगठन के द्वारा किया गया। आपका नाम? मेरा नाम शिवम सोनी, मैं स्वर्णकार युवा संगठन का सदस्य हूँ। जी बताइए, युवाओं की मेहनत के साथ बुजुर्गों का भी आशीर्वाद इस कार्यक्रम में प्राप्त हुआ, इस कार्यक्रम के बारे में बताइए। ये अजमेर जयंती के उपलक्ष्य में जो युवाओं ने यहाँ का कार्यक्रम दिया है, इसके बहुत सराहनीय के पात्र हैं। इनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, क्योंकि इन्होंने समाज को एक जोड़ने की प्रथा अजमेर जयंती के उपलक्ष्य में की है, जिससे हमारा समाज काफ़ी पहले ही पिछड़ा हुआ है, आज वो एक छत पे इकट्ठा हो रहा है। इससे ये मालूम पड़ रहा है कि समाज में जितने भी लोग हैं ये आज एक छत पे आ रहे हैं और हम इनके सहयोगी बने। आने वाले समय में ये होगा कि ये समाज किसी और हमारा जा रहा है, पहले ही काफ़ी पिछड़ने के कारण स्वर्णकार समाज आज अपने धंधे से सिर्फ 30% की ही धंधा करने वाले हैं। हमारा रोजगार जो है वो दूसरों के हाथ में चले गया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है, क्या मुरारजी देसाई के टाइम से ये जो कार्यक्रम स्वर्ण नियंत्रण लगा था, उससे परिवार इतना घबरा गया था, जिन्होंने आज अपनी रोजी रोटी के लिए काम छोड़कर दूसरा काम अपनाया, जो आज कई परिवार ऐसा है कि जिसने स्वर्ण कला जानते हुए भी अपना हाथ छोड़ा है, काम छोड़ा है और वो काम आज वो इतने स्तर पे चले गया है दूसरे के हाथ में, क्या स्वर्णकार बच्चा आज उसको हाथ में नहीं ले सकता। युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवा पीढ़ी को मैं यही संदेश देता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम हर साल हमेशा करते रहें, ताकि समाज उससे जुड़ता रहे और उसकी माहिती सबको मिलती रहे कि हम स्वर्णकार समाज के एक छत के नीचे आए हैं,
और हमारा कार्यक्रम इस प्रकार जुड़ने का हमेशा चलता रहे। आपका नाम? मेरा नाम रतनलाल सोनी है।